उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मैंने दी है और स्वाभाविक है ये, क्योंकि उनसे हमारा गठबंधन रहा है और इसलिए भी ज़रूरी था कि जब उनका जन्मदिन है तो कम से कम बधाई देना बनता है। लेकिन जन्मदिन और राजनीति अलग चीज़ें हैं, ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम उन्हें बधाई दे रहे हैं, इसमें कोई राजनीति न देखी जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और आप हमेशा की तरह शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से पूर्व सांसद डिंपल यादव और मायावती का जन्मदिन एक ही दिन यानी 15 जनवरी को होता है। अखिलेश यादव ने मायावती को जन्मदिन की बधाई दी। उनका जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई मैंने दी है और स्वाभाविक है ये, क्योंकि उनसे हमारा गठबंधन रहा है और इसलिए भी ज़रूरी था कि जब उनका जन्मदिन है तो कम से कम बधाई देना बनता है। लेकिन जन्मदिन और राजनीति अलग चीज़ें हैं, ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम उन्हें बधाई दे रहे हैं, इसमें कोई राजनीति न देखी जाए। डिंपल यादव के जन्मदिन के दिन ही सीतापुर में पूर्व सांसद हरगोविंद वर्मा की पुण्यतिथि का भी कार्यक्रम था, इसीलिए डिंपल यादव का जन्मदिन मनाने के बजाय अखिलेश यादव सीतापुर पहुंचे। सीतापुर के लहरपुर कस्बे में शहर बाजार में बस अड्डा परिसर पर कार्यक्रम रखा गया था, जहां तक पहुंचने के रास्ते में जगह जगह सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव का स्वागत करने के लिए खड़े थे। अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कमिश्नरी सिस्टम पर सवाल खड़े किए। जहाँ तक सवाल कमिश्नरी का है, देखिए कमिश्नर पोस्ट होने गए और सब कागज जल गए, और कमिश्नरी आपने दिल्ली में भी देखी है, बताओ कमिश्नरी तो दिल्ली में थे जो जामिया में चले गए, लाइब्रेरी में पीटा बच्चों को, गोली चली वहाँ पर, आंसू के गैस के गोले, न जाने कितने बच्चों की हाथ पैर टूट गए, वो भी तो कमिश्नरी तो थे। और फिर JNU में इंतज़ार करती रही पुलिस, वो भी तो कमिश्नर सिस्टम है, किस बात का इंतज़ार कर रहे थे। और फिर किस पे FIR दर्ज हुई, जिसका सर फूटा, जिनको चोटें आईं। अब थोड़ा बहुत सुधार आया जब से मीडिया ने प्रेशर बनाया या राजनीतिक दलों ने प्रेशर बनाया। कन्नौज में भेदभाव का आरोप आपने लगाया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम वही है पुराना। ये बताओ 100 नंबर, ये जो 100 नंबर है 112 कर दी, क्या ये समाजवादी समय की नहीं है योजना? क्या घाघरा में नाम बदलने से कोई पानी नया आ जाएगा या बाढ़ से नहीं मारेंगे लोगों को? क्या बाढ़ नहीं आएगी? सरयू नाम हो जाने से क्या घाघरा में बाढ़ नहीं आएगी? तो ये केवल इसलिए क्योंकि वो छिपाना चाहती थी सरकार। IPS ने आरोप लगाया IPS पर, एक IPS ने आरोप लगाया कि IPS की जो पोस्टिंग हो रही है उसमें पैसा चल रहा है, किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं लगाया। तो उस बात को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कि जनता भूल जाए, इसलिए कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया। अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल भारत एक सोच को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जम के शेयर करें। मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।